नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं श्रेयसी। बिहार से अलग होकर झारखंड साल 2000 में अलग राज्य बना। राज्य गठन होते ही यहां के कई गैंगस्टर भी उभर कर सामने आए। गैंगस्टरों के निशाने पर कोयला कारोबारी, ठेकेदार और अन्य कारोबार से जुड़े लोग हैं। आपको बता दें, गैंगस्टर के आतंक से कई कारोबारियों ने राज्य से पलायन भी कर लिया। सूबे में गैंगस्टर तो कई सक्रिय है, लेकिन अमन नाम के तीन गिरोह ने झारखंड पुलिस और कारोबारियों का अमन चैन ही छीन लिया है। हम इस रिपोर्ट में आपको तीन अमन के बारे में बताएंगे। आखिर कैसे अमन नाम सुनते ही राज्य के कारोबारी, ठेकेदार और कोयला कारोबारी दहशत में आ जाते हैं। झारखंड के अमन साहू, अमन श्रीवास्तव और अमन सिंह कई इलाकों में आतंक का दूसरा नाम बन गए हैं। पुलिस ने तीनों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। इसके बावजूद जेल से ही पूरे गिरोह का संचालन कर रहे हैं। तीनों अमन फिलहाल अलग अलग जेल में बंद है। इस कहानी की शुरुआत अमन साहू से करते हैं। दरअसल अमन साहू गैंग पिछले 10 सालों से झारखंड के कोयला कारोबारियों के नाक में दम कर रखे हैं। डॉन अमन साहू ने 17 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। एक छोटे से गांव का पढ़ने वाला लड़का, किसी को नहीं मालूम था कि वह झारखंड का एक बड़ा गैंगस्टर बन जाएगा। आज अमन साहू अपराध की दुनिया का एक बड़ा नाम बन गया है। अमन साहू गैंग ने झारखंड के पलामू, चतरा, लातेहार, रांची, रामगढ़, बोकारो, गिरडी, धनबाद सहित कई जिलों के कारोबारियों और ठेकेदारों के नाक में दम कर रखा है। अमन साहू के नाम पर कोयला कारोबारी समेत अन्य कारोबार से जुड़े लोगों से रंगदारी की मांग फोन पर की जाती है। पैसा नहीं देने पर खुलेआम गोली मार देते हैं। आइए अमन साहू के गैंगस्टर बनने के शुरुआती दौर पर लेके चलते हैं। अमन के गांव के लोग बताते हैं कि अमन एक सीधा साधा लड़का था, कभी किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं करता था। लेकिन मैट्रिक में जब वह पढ़ता था, तब किसी केस में पहली बार जेल गया। जेल में करीब 10 महीने रहने के बाद उसने आगे की पढ़ाई को भी पूरा किया। अच्छे नंबर से इंटर करने के बाद डिप्लोमा भी किया। इस दौरान उसने अपना एक मोबाइल दुकान खोला। दुकान खोलने के बाद उसकी मुलाकात कई अपराधियों से होने लगी। उसने खुद की हत्या की वारदात को अंजाम दिया। धीरे धीरे इसका आतंक पूरे झारखंड में फैला और यहाँ अपने साथ पढ़े लिखे हाईटेक युवाओं को पैसे का लालच देकर जोड़ता चला गया। अमन साहू को पहली बार पुलिस ने 2019 में गिरफ्तार किया था, लेकिन पुलिस गिरफ्त से किसी तरह भाग गया। अमन 3 साल बाद 2022 में फिर से पुलिस के गिरफ्त में आया और अब तक वह दुमका जेल में बंद है। लेकिन अमन जेल से ही अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है, जेल से ही रंगदारी की मांग कर रहा है। दूसरा नाम अमन श्रीवास्तव का है। अमन श्रीवास्तव पिछले 8 सालों से गिरोह का संचालन कर रहा है। अमन श्रीवास्तव फिलहाल रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद है, लेकिन इनके गुर्ग अपने इशारे पर खुलेआम वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इस गैंग के निशाने पर ज्यादातर ठेकेदार और कोयला कारोबारी है। इनके गुर्ग शहर में घूमकर पूरी गतिविधि का जायजा लेने के बाद इंफॉर्मेशन अपने आकर को देते हैं। उसके बाद अमन जेल से ही लिस्ट तैयार करता है। लिस्ट बनाने के बाद उसमें कितना पैसा, कहां और किससे मांगना है, यह आदेश अपने गिरोह के लोगों को देता है। आदेश मिलने के बाद ही रंगदारी की मांग की जाती है। रंगदारी नहीं देने पर उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। यही कारण है कि अमन गिरोह का नाम सुनते ही राज्य के कारोबारी खौफ खाने लगते हैं। इसका आतंक रामगढ़, हजारीबाग, धनबाद, चतरा, लोहरदगा, लातेहार और पलामू में देखने को मिलता है। अमन श्रीवास्तव के काम करने का तरीका अन्य गैंगस्टरों से अलग है। यह खुद किसी वारदात को अंजाम नहीं देता है, ना ही रंगदारी का पैसा खुद डायरेक्ट लेता है। इसके गुर्ग पैसा उठाने के बाद हवाला के माध्यम से अमन के रिश्तेदारों को भेजा करते हैं। अमन श्रीवास्तव के परिवार को देखें तो इसके पिता सुशील श्रीवास्तव का नाम कोयलांचल के बड़े गैंगस्टर में शुमार था। इनके पिता का ही पूरा गैंग बनाया हुआ है। अगर सुशील श्रीवास्तव की बात करें तो एक हत्या मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उसे कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा मिली थी। इस मामले पर इसकी पेशी हजारीबाग कोर्ट में 2 जून 2016 को पेश किया गया था। इस दौरान अज्ञात अपराधियों ने इनकी हत्या कोर्ट में ही कर दी थी। सुशील श्रीवास्तव को बदमाशों ने AK-47 समेत अन्य हथियार से गोलियों से भून दिया था।
पिता की हत्या के बाद अमन ने अपराध की दुनिया से दूर होने के बजाय वह इस गैंग का सरगना बन गया। पिता के द्वारा बनाए गए नेटवर्क को आगे बढ़ाते हुए उसने अपने गैंग के गुर्गों के द्वारा दहशत फैलाना शुरू कर दिया। खुद झारखंड से बाहर रहकर पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहा था। अमन श्रीवास्तव का गैंग रांची, रामगढ़, लोहरदगा, हजारीबाग और लातेहार में सक्रिय है। इस गैंग के सरगना अमन श्रीवास्तव पर 23 से अधिक मामले दर्ज हैं। झारखंड एटीएस और मुंबई एटीएस ने संयुक्त अभियान चलाकर उसे 17 मई 2023 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तीसरा नाम आता है अमन सिंह का। अमन मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन इनका आतंक झारखंड में है। अमन सिंह गिरोह खास कर कोयलांचल में सक्रिय है। आपको बता दें, शूटर अमन सिंह ने अपना वर्चस्व धनबाद डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या के बाद पूरे कोयलांचल में दिखाने लगे। मेयर हत्याकांड में पुलिस ने अमन को भले ही सलाखों के पीछे भेज दिया था, लेकिन उस हत्या के बाद से अमन सिंह के नाम से लोग खौफ खाने लगे थे। ऐसा लगने लगा था कि जेल जाने के बाद एक बड़े गैंगस्टर की लिस्ट में अमन सिंह का नाम शुमार हो गया है। जेल जाने के बाद इसका आतंक और बढ़ता चला गया। इनके गुर्ग ने पूरे कोयलांचल में जमकर उत्पात मचाया। कोयलांचल में कोयला कारोबारी इनके निशाने पर तो है ही, इसके अलावा जो भी तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है वह उसके पास अमन सिंह के नाम से पर्चा या कॉल पहुंच जाता है। सूत्रों के माने तो अमन सिंह का गैंग हर माह करीब 3 लाख रुपए रंगदारी वसूलने का काम करता है। अमन सिंह के बड़े भाई अजय सिंह को पुलिस ने यूपी के सुल्तानपुर से 2022 में गिरफ्तार किया था। इसकी गिरफ्तारी के बाद कई जानकारी पुलिस को मिली थी। यह वही अमन सिंह है जिसके डर से धनबाद के डॉक्टर समीर ने शहर छोड़ दिया था। डॉक्टर का मामला पूरे झारखंड में बड़ा तूल पकड़ लिया और पुलिस पर सवाल खड़े होने लगे। आखिर जेल से कैसे गैंग संचालन किया जा रहा है। बाद में धनबाद जेल से उसे दुमका शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन फिर बाद में वापस से धनबाद जेल भेज दिया गया। फिलहाल वह धनबाद के जेल में ही बंद है। बताया जाता है कि अमन रंगदारी के पैसे को राज्य के बाहर रिश्तेदारों के पास भेजकर उसे विभिन्न कारोबार में निवेश कर दिया करते थे। फिलहाल अब तक अमन पर 9 केस दर्ज है। तो आपने देखा कि किस तरह से तीन अमन ने पुलिस और आम लोगों में दहशत बना के रखा है। तीनों अमन में एक खास बात तो यह है कि सभी की उम्र 22 से 30 साल के बीच की है, लेकिन इनका दिमाग काफी तेज है और कुख्यात अपराधियों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।